राउटर के साठ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इससे उसमें बैठे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। साठ थाना क्षेत्र के कोठा गांव निवासी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली से फतेहपुर में चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे। वापस लौटते समय साढ़ और गंभीरपुर गांव के बीच सड़क किनारे तालाब में ट्राली पलट गई। मौजूदा समय में 10 शव भीतर गांव सीएससी पहुंचे। 22 से 25 लोगों के मरने की सूचना है। बताया जाता है कि मौके पर ही बचाव और राहत कार्य जारी किए गए हैं। वहीं सीएम योगी और प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कानपुर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया एवं उनके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया है। कानपुर नगर के साठ थाना क्षेत्र में एक थोड़ा नीचे दबा आज हुई है। ये लोग गांव कोठा आराम से भाई ये जनपद फतेहपुर चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके वापस मुंह में डाल महिलाएं बच्चे बने हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई पलट गई थी और पानी में 26 लोगों की अभी इसमें जो टीम है जो अभी बाकी जो घायल लोग हैं उनको हैलेट रखा गया। घायल अलग अलग जो 26 मृत हैं उनमें महिला कितने हैं बच्चे कितने हैं अभी जो प्राइमरी जो जो अभी हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से जो 14 घायल हैं बाकी बच्चे हैं और बाकी घायल हैं वो हैलेट में उनका इलाज के लिए उनको कारण क्या निकल गया रेलते जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा यही बताया गया है ट्रैक्टर पलट गई और नीचे थोड़ा सा खेत में वहाँ पे पानी भरा हुआ गंभीर कितने हैं और हाँ फिलहाल जितने भी लोग जो घायल हैं जो हैलेट के लिए रेफर किए गए पूरे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और उनके टीम वहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद है और उनके द्वारा घायलों के समुचित इलाज के लिए यथासंभव आज वो सुनिश्चित परिजन आरोप लगा रहे हैं कि थोड़ा सा लापरवाही बरती गई यहाँ पर अटेंड करने के लिए दो जन लगातार हम लोग पिछले ढाई घंटे से बातचीत कर रहे हैं और जो भी उसमें उनके द्वारा बताई जा रही बातें हैं उसमें जाँच की और जो अगर किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही हुई हो तो जिम्मेदारी तय करके मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है कि अगले गाय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संज्ञान लिया है परिवार के जो घायल है उनको 50,000 रुपए यहाँ पर मैं भी अंदर गया हूँ। हमारे सब अधिकारी और डॉक्टर्स यहाँ मुस्तैदी से मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू कर दिया और चारों घायलों में जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं उनका इलाज जिस प्रकार से हो रहा है मैंने उनसे बात करी है कि सर हमको कोई दुखद सूचना नहीं देगा। यहाँ की हमारी अलर्ट डॉक्टर की टीम इस प्रकार से काम कर रही है। मैंने जब उनसे पूछा कि अगर ब्लड वगैरह की कोई ज़रूरत हो तो हम सब लोग भी ब्लड दे सकते हैं मानवता के कारण से यहाँ पर पर्याप्त ब्लड है। उन्होंने कहा पर्याप्त ब्लड है पर्याप्त दवा है पर्याप्त डॉक्टर्स हैं पर्याप्त एक्सपर्ट्स हैं और साथ साथ हमारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हमारा पूरा तंत्र एक्टिव है और कोई ऐसी दुखद घटना आगे नहीं मिलेगी। माननीय महाराज जी ने लखनऊ में तुरंत संज्ञान लिया है और उनके संज्ञान लेते ही मैंने जैसे मुझे सूचना दी है मैं मृतकों के हिसाब से यहाँ पहुँच गया और महाराज जी की प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर उपस्थित रह करके घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था स्वयं दे पूरा आंकड़ा आने दीजिए इसलिए कि उसमें हो सकता है अभी